अरे ब्रो, फर्स्ट यू टेल मी, किसके कहने पर तुमने गुनगुन को किडनैप किया था? अरे अब तू बोलो ना। बोलिए। I don't know bro. I know number six call aya. मैंने मनी के लिए किडनैप किया। बट गुनगुन ने मुझे रियलाइज करवाया कि ये सब रॉन्ग। I'm sorry, bro. अरे नो ब्रो, डोंट बी सॉरी, इनफैक्ट थैंक यू ब्रो। अमित, तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि तुमने गुनगुन का ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू। तुमने गुनगुन को हार्म नहीं पहुंचाया, उसके लिए थैंक यू। हमें गुनगुन के साथ रहना चाहिए था, लेकिन तुमने गुनगुन का साथ दिया, उसके लिए थैंक यू। गुनगुन वेरी नाइस ब्रो, कोई हम नहीं कर सकता। एक मिनट अब्दू, अब्दू भैया आपने कहा था कि आपका इस फील्ड में कोई नहीं। आज से मैं आपकी सिस्टर। उल्टी आ जाएगी मुझे इतना प्यार देख के। अब्दू अपना हाथ आगे करो। से तुम मेरे अब्दू भैया हो। वाओ, मैं तो सच में ब्रो बन गया। और ये तुम्हारे लिए गिफ्ट फ्रॉम छुटा भाईजान। थैंक यू। पता नहीं कौन सी किस्मत लेके आई है गुनगुन, मेरी हर बाजी उल्टी पड़ जाती है।
और अब्दू जी, आज से आप अकेले भी नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू। हाँ थैंक यू एंड नो बैड थिंग्स। थैंक यू डन। यस डन ब्रो। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रो। थैंक यू। नो 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 थैंक यू। तुम चलो हमारे साथ हमारे घर, हमारे साथ रह लेना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ लो, हम तो इस घर का एक सदस्य कम करने के लिए आए थे, लेकिन एक सदस्य बढ़ गया। नहीं नहीं मुझे जाना होगा। अब्दू भैया प्लीज चलो ना। सॉरी सिस्टर, अभी मुझे जाना होगा, बट आई प्रोमिस जब भी यू नीड मी मैं आ जाऊंगा। And Mohan uncle, I promise, aaj ki baat, no bad things. No bad things, Abdu. Okay? Well done. Thank you. Bye Abdu. Bye. 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 Bye bye Abdu. Bye. Thank you so much. हो गया चौपट। Bye. Thank you so much. Thank you. अपना ख्याल रखिएगा। Done. Thank you so much. Bye. हमने तुम्हें पैसे दिए थे ताकि तुम गुनगुन को खत्म कर दो, उसे बहन बनाने के लिए नहीं दिए थे पैसे। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। क्या ये राधा के छत्रा छाया में तो डाकू भी साधु बन जाते हैं। आज तुमने गुनगुन को ट्रैवल किया, मैं छोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम नहीं, याद रखना अब्दू नाम है मेरा। आई एम बैड विद बैड पीपल। अब तक तो ये चुहिया हमें डराती थी, लेकिन देखो ये छुटपुटिया भी हमें लात मारकर चला गया। बिटिया, हमें तो लगता है हमारे ग्रह नक्षत्र सच में खराब अवदशा में है। बाकी बिहारी जी की कृपा से तुम बिल्कुल ठीक हो। हम सबकी जान ही निकल गई थी पता है, कितना परेशान हो रहे थे सब।
तुम सब ठीक हो? जी माँ जी, हम सब ठीक हैं। गुनगुन, गुनगुन वापस आ गई। गुनगुन, मुझे गुनगुन को देखना है, मुझे मेरी गुनगुन को देखना है। बाकी बिहारी जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। मेरी बेटी की रक्षा करने के लिए थैंक यू भाग्य बिहारी जी, थैंक यू राधा। मोहन ने मेरी आवाज सुन ली क्या? मोहन मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी, बस मोहन। हाँ माँ। मोहन, ये तुम्हारी आंखों में आंसू। गुनगुन ठीक है बेटा, तुम उसे सही सलामत वापस लेकर आए हो। और देखो तो हमारी गुनगुन कितनी स्मार्ट है, अपनी जान बचाकर खुद को बचाकर लेकर आई है। नहीं माँ, गुनगुन की जान उसने खुद नहीं बचाई है। किसी और ने बचाई है। मतलब राधा ने। गुनगुन को राधा ने बचाया। तुलसी के जाने के बाद ना माँ, मैं टूट गया था। खुद को संभालने की ना हिम्मत थी और ना ही ताकत। साथ में थी तो बस छोटी सी गुनगुन। फिक्र थी कि मैं इसे पालूंगा कैसे। कैसे संभालूंगा अपनी अपनी जान से भी प्यारी बेटी को। क्योंकि माँ जो है ना, वो पिता के बिना बच्चों की परवरिश कर सकती है, लेकिन पिता जो है ना, वो माँ के बिना बच्चों को पालने में
कभी ना कभी चूक ही जाता है। और मैं भी चूक जाता, सच बता रहा हूं। अगर तुम नहीं मिलती ना तो मैं चूक जाता, क्योंकि गुनगुन तो नफरत करती थी ना मुझसे। आज ये जो गुनगुन खड़ी है ना, वो ना मेरी बेटी है ना ना तुलसी की बेटी है। वो बस राधा की बेटी है। कभी कभी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो ना सिर्फ आपकी जिंदगी बदल देते हैं बल्कि आपके अपनों की जिंदगी भी संवार देते हैं। वो अब्दू जो आया था गुनगुन को मारने आया था ना, वो पर गुनगुन से राखी बंधवाकर चला गया। पता है किसकी वजह से? राधा की वजह से। राधा इस बार ना बोरवेल में घुसकर ना बस चलाकर ना अपनी जिंदगी खतरे में डालकर तुमने गुनगुन की जान बचाई है बल्कि तुमने गुनगुन की जान ना अपनी परवरिश से बचाई है। जो तुम बातें करती हो ना गुनगुन से, उसके बाल बनाते वक्त, उसे खाना खिलाते वक्त, उसके साथ खेलते वक्त, उन बातों ने गुनगुन की जान बचाई है। तुमने गुनगुन को अपनी परछाई बना दिया था। सच में थैंक यू यार, थैंक यू गुनगुन की मां बनने के लिए। क्योंकि अगर तुम गुनगुन की मां नहीं बनती ना तो मैं उसका पिता नहीं बन पाता। कैसी बातें कर रहे हो? हमने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है मोहन जी, तो शांत हो जाइए। हम तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुमने कितना बड़ा काम किया है। बस हो गया मोहन का राधा पुराण शुरू। उसे तो बस मौका चाहिए राधा को भगवान बनाने का। पता नहीं उस ड्राई फ्रूट चुड़ैल ने हमारे मोहन पर क्यों जादू किया है। हमें तो लगता है बिटिया कि धीरे धीरे ये राधा नामक भजन की किताबें छापना शुरू कर देगा।
क्या बात कर रही है? गुनगुन के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसके पीछे इन दोनों का ही हाथ है। लेकिन बिटिया, मानने वाली बात यह है कि वो चुईया अब वापस आ गई है। उसका मतलब कि वो भूतनी 12 बजे तक आजाद हो जाएगी। और जैसे गुरु माँ ने कहा था, धीरे धीरे वो भूतनी की शक्तियां भी वापस आ जाएगी। बिटिया, हमें तो यही सोच सोच के डर लग रहा है कि अगर वो भूतनी की शक्तियां वापस आ जाएगी तो हमारा क्या हाल होगा।